वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी ट्रीट इसमें फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स अभी मैं आपको दूंगा ट्रीट, आपकी यहाँ रखी है, अभी देता हूँ ठीक है। वेट, अरे दे दे दे, ये क्या, ये देखो आपकी ट्रीट है। गुड बाय। कहाँ कहते हैं? वो मैं मैंगो लाने गया था, आपको तो जानती है कि आपने तो काफ़ी डिशेज मैंगो की डाल दी है और मुझे भी बहुत पसंद है मैंगो, तो मैंने सोचा आज जो है मैंगो फिर नहीं खाना, संडे भी है और स्वीट डिश भी हो जाएगी, अच्छा लगेगा। ओके ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अम्मास किचन फूड में आपका स्वागत है। मैं आपकी कुक अनीता मिश्रा आज आपके लिए कुकिंग विद हस्बैंड का 8th एपिसोड लेकर आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक आम ले लिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे मैंगो फिरनी बनाने के लिए। ये मैंने जो है कुछ काजू को भी रख लिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं इसको डालूंगा। ये मैंने छोटी इलायची को ग्राइंड करके रख लिया है। ये चीनी ले ली है 2 से 3 टेबलस्पून। ये चावल ले लिया जिनको मैं धुलूंगा और उसके बाद ग्राइंड करना है मुझे। ये मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। ये देखिए बाउल ले लिया मैंने, इसमें जो राइस था इसको मैं डालूंगा और वाटर डाल करके इसको अच्छे से वॉश भी करना है और उसके बाद फिर मैं 20 मिनट के लिए सोक होने के लिए छोड़ दूँगा। ये जो मैंने मैंगो लिया हुआ था इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं काट रहा हूँ, ये देखिए कट गया है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस भी काट के रख लूँगा। ये देखिए पीसेस मैंने कट करके रख लिया है, अब इसको मैं ग्राइंड करूँगा। ये देखिए जार है, इसमें मैं ये सारे पीसेस डाल देता हूँ और इसको मैं फाइन ग्राइंड कर लूँगा। ये देखिए मेरा ग्राइंड हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरह से आप फाइन ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए राइस को 20 मिनट सोक किए हुए हो गया है, इसको वॉश कर लिया है, देखिए साफ़ हो गए हैं, अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगा। ये देखिए मैंने जार ले लिया है, इसमें वो राइस ट्रांसफ़र करता हूँ, इसको ग्राइंड करूँगा, कोर्स ग्राइंडिंग करना है इसको, फाइन ग्राइंडिंग नहीं करनी है। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको मैंने दरदरा पीसा है, आप भी इसी तरह से पीस लीजिएगा। ये देखिए मैंने पैन ले लिया है और इसमें जो है जो मिल्क लिया हुआ था उसको मैं डालता हूँ, फुल क्रीम का ये मिल्क है, इसको मैं फुल फ्लेम पे 3 से 4 बॉयल आने तक पकाता हूँ और इसको चलाता रहूँगा ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखिए दूध मेरा अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें जो मैंने राइस को ग्राइंड करके रखा था वो मैं ऐड करूंगा और फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाऊंगा। ये देखिए मैं राइस चेक कर रहा हूँ, अभी ये इस तरह से है और मैं इसको अभी चला करके 3 से 4 मिनट और पकाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा जो मैंने रखी है। ये देखिए मेरा पकने लगा है, अब मैं इसमें शुगर ऐड करता हूँ। शुगर ऐड करने के बाद भी मैं इसे 1 से 2 मिनट पकाऊँगा, क्योंकि ये गर्म है तो शुगर जल्दी गल जाएगी और इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखिए पक गया है, इस तरीके से कंसिस्टेंसी हुई है इसकी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर जो मैंने ग्राइंडेड रखी हुई थी उसको मैं ऐड करूँगा, थोड़े से जो काजू वगैरह रखे थे वो मैं ऐड करूँगा, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको मैं फिर से मिक्स कर लूँगा, अब मैं फ्लेम बंद करता हूँ, मेरा मिक्सचर ठंडा हो गया, मैं मैंगो ऐड करता हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। चलिए मैं अब इसे सर्व करता हूँ। मैंगो फिरनी मेरी रेडी हो गई है, आप इसको टेस्ट करिए और बताइए कैसी लग रही है, स्वीटनेस वगैरह सब चेक करिए। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, चेक करती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। मैंगो मीठा था इसलिए चीनी भी सही पड़ी, अच्छी लग रही है। हस्बैंड का हमारे 8th एपिसोड है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करती हूँ। अरे क्वेश्चंस? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आप उनका आंसर दीजिए। चलिए पूछिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सीरीज आपको करने में कैसा महसूस हो रहा है? इसके जवाब में तो मुझे उस्मान मीर जी की एक गाई हुई बहुत ही प्यारी गजल है, बा खुदा अब मुझे कोई तमन्ना ही, उसमें एक शेर आता है,
फ्रेंड्स वो कर्म करते हैं या सितम करते हैं, इस नजर से उन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। वाह वाह वाह, थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कुकिंग विद हस्बैंड ज्वाइन करने का आइडिया कहाँ से आया? पहले बताइए कितने क्वेश्चंस आज आप लेके इस एपिसोड में। चलिए, इसका आइडिया मुझे इसलिए आया कि मैंने 3 प्रोजेक्ट पे काम किया है, मुचाहार, टांडा, मेजा। तो उस पर क्या होता है कि जब आप चेंज कर देते हैं, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस पिछले वाले प्रोजेक्ट से 3-4 साल कनेक्टिविटी रहती है फ्रेंड से, उसके बाद फिर कनेक्टिविटी कम होने लगती है। तो फ्रेंड्स ने कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि ऐसा करिए, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ एक्ट करिए ताकि हम लोग जुड़े रहें। अब ये संडे को मेरा एपिसोड जाता है, लोग उस पर कमेंट करते हैं, मुझे फ़ोन करके बताते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन का एक लिंक बन गया है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है इसको करने के लिए। थैंक यू। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अब रहने भी दीजिए बस, अब इसको अगले एपिसोड में मुझे बहुत हो गया, चलिए छोड़ती हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते में, और जो पुराने समय से भी जुड़े हुए हैं, आपके लव और सपोर्ट के बगैर जो है हमारा चैनल ग्रो नहीं कर सकता था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग लव और सपोर्ट दे रहे हैं हमको, थैंक यू फ्रेंड्स। वंस अगेन, ये सीरीज अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।